नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मदान और स्वागत है आप सभी का फोकस पाथ में। यूनिकार्ड अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपको ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन नीचे आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद नीचे वेरीफाई नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई नंबर पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। आपको वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइनिंग फीस 0, मतलब यहाँ पर हमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, बाद में इसकी कोई ज्वाइनिंग फीस आ भी सकती है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ स्टार्ट एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमसे हमारी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे कार डिलीवरी पिन कोड एंटर करना है, मतलब जो भी आपके शहर का पिन कोड हो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपका पैन कार्ड नंबर पूछा गया है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर हो उसे एंटर कर दे। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना नेम एंटर करना है जो पैन कार्ड पर मेंशन है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका जेंडर, जो भी आपका जेंडर उसे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल सिलेक्ट कर लेना, अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड सिलेक्ट कर लेना। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछी जाएगी। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते तो यहाँ पर प्राइवेट सिलेक्ट कर लेना। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेना। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यहाँ पर स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप हो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको नीचे चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी लिमिट आ गई है। अब आपको नीचे एक्सप्लोर पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर यूनिपे कार्ड। अब आपके पास नीचे ऑप्शन है स्टार्ट केवाईसी फॉर यूनिपे कार्ड का, आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी आधार केवाईसी होगी, जिसके लिए आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। जो करेक्टर आपको स्क्रीन पर विजिबल है सेम वही करेक्टर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। देन आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी 4 अंकों का पिन सेट कर लेना। पिन सेट करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स आएंगी, इन्हें एक बार आप वेरीफाई कर लेना। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सेल्फी लेने के लिए कहा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप सेल्फी लो तब आपने कोई मास्क या स्पेक्स ना डाला हो। सेल्फी लेने के लिए नीचे टेक अ सेल्फी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तब आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, आपको सिंपली अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको अपनी सेल्फी लेनी है, नीचे कैप्चर का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी, तो नीचे ऑप्शन है अपलोड सेल्फी का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी सेल्फी अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो इसके लिए आपको एंटर एड्रेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास एड्रेस आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ अटैच है। अगर ये एड्रेस सही है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप अपनी खुद की मर्जी से एड न्यू एड्रेस कर सकते हैं। एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे चेकबॉक्स को टिक करना है। देन सबमिट केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यूनिकार्ड बन गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू।